अस्सलाम वालेकुम, मैं बंदा नाचीज मुदस्सर इकबाल और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह टेक्निकल मुदस्सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे कुछ इस तरह का स्टेटस। तुम्हें पता है अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा क्या पसंद? जो कि आप सैंपल में देख चुके हैं। दोस्तों अगर आप भी इसी तरह का स्टेटस बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना होगी। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों आपने अपने मोबाइल फ़ोन में काइनमसल एप्लीकेशन खोले ना, ओपन करने के बाद आपके पास उसका कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। दोस्तों आपको ऊपर ऑप्शन मिलेगा प्लस न्यू प्रोजेक्ट वाला, आपने इस पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने 3:4 रेशो सेलेक्ट करके आपने क्रिएट पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास इसका कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। दोस्तों आपने जाना अपने फोल्डर में जाने के बाद आपने यहाँ से कोई एक बैकग्राउंड इमेज ले लेना है। इमेज लेने के बाद आपने इसका ड्यूरेशन आपने स्टेटस के हिसाब से जो है ना आपने बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा पैन एंड जूम वाला, आपने इस पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने इसे दोनों फिंगर से पकड़कर कुछ इस तरह आपने अपने हिसाब से यहाँ पर इसे जूम इन कर लेना है। जूम करने के बाद आपने कर देना यहाँ से मर्ज करने के बाद आपने करना है यहाँ से बैक करने के बाद आपने विग्नेट को कर लेना है यहाँ से इनेबल करने के बाद आपने कर देना यहाँ से बैक करने के बाद आपने आ जाना इसके शुरू में आने के बाद अब हम ऐड करेंगे इसमें शेडो ऐड करने के लिए हम जाएंगे लेयर में, मीडिया में, फिर जाएंगे अपने फोल्डर जाने के बाद यहाँ से हम जो है ना शेडो ले लेंगे। शेडो लेने के बाद आपने इसका साइज कुछ इस तरह बढ़ाकर आपने अपने हिसाब से यहाँ पर इसे एडजस्ट करके इसका ड्यूरेशन भी आपने स्टेटस के हिसाब से बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद आपने करना है बैक करने के बाद आपने आ जाना इसके शुरू में आने के बाद अब हम ऐड करेंगे इसमें बॉर्डर। बॉर्डर ऐड करने के लिए हम जाएंगे लेयर में, मीडिया में, फिर जाएंगे अपने फोल्डर जाने के बाद यहाँ से बॉर्डर ले लेंगे। बॉर्डर लेने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा स्प्लिट स्क्रीन वाला, आपने इस पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने स्प्लिट फुल स्क्रीन करके आपने करना है यहाँ से बैक और इसका ड्यूरेशन भी आपने वीडियो के एंड तक ले जाना है। आपने यहाँ से पकड़कर कुछ इस तरह आपने इसे वीडियो के एंड तक ले जाना है। एंड तक ले जाने के बाद आपने आ जाना इसके शुरू में आने के बाद अब हम ऐड करेंगे यहाँ पर टेम्पलेट ऐड करने के लिए हम जाएंगे लेयर में, मीडिया में, फिर जाएंगे अपने फोल्डर जाने के बाद यहाँ से हम जो है ना टेम्पलेट ले लेंगे। लेने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा क्रोपिंग वाला, आपने क्रोपिंग में जाना है यहाँ से कुछ इस तरह आपने क्रोप करें। क्रोप करने के बाद आपने करना है यहाँ से बैक करने के बाद आपने जाना है यहाँ ब्लेंडिंग में जाने के बाद आपने कर लेना इसे स्क्रीन करने के बाद आपने इसका साइज़ जो है ना कुछ इस तरह बढ़ाकर आपने अपने हिसाब से आपने यहाँ पर इसे एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद आपने कर देना है यहाँ से बैक करने के बाद अब हम ऐड करेंगे यहाँ पर लेबल ऐड करने के लिए हम जाएंगे लेयर में, मीडिया में, फिर जाएंगे अपने फोल्डर जाने के बाद यहाँ से हम जो है ना लेबल ले लेंगे। लेबल लेने के बाद आपने जाना क्रोपिंग में जाने के बाद आपने नीचे वाला पार्ट जो है ना कुछ इस तरह क्रोप करके आपने इसे पकड़ कर कुछ इस तरह अपने हिसाब से आपने यहाँ पर इसे एडजस्ट कर लेना और इसका ड्यूरेशन भी आपने वीडियो के एंड तक ले जाना है। उसके बाद आपने कर देना है यहाँ से बैक करने के बाद अब हम ऐड करेंगे इसमें आवाज़ ऐड करने के लिए हम जाएंगे लेयर में, मीडिया में, फिर जाएंगे अपने फोल्डर यहाँ से हम जो है ना वीडियो ले लेंगे। अब हम लेंगे इसके ऑडियो लेने के लिए हम जाएंगे नीचे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सट्रैक्ट ऑडियो वाला, आपने इस पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑडियो आ चुका, अब हम वीडियो को यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद अब हम ऐड करेंगे यहाँ पर लोगो ऐड करने के लिए हम जाएंगे लेयर में, मीडिया में, फिर जाएंगे अपने फोल्डर यहाँ से हम जो है ना लोगो ले लेंगे। आपने कोई एक अपने हिसाब से यहाँ पर लोगो ऐड कर लेना, मैंने आपको समझाने के लिए बस ये वाला लोगो ऐड कर लिया है। हम इसे पकड़कर कुछ इस तरह यहाँ पर इसे एडजस्ट कर देंगे और इसका ड्यूरेशन भी आपने वीडियो के एंड तक ले जाना है। आपने इसे पकड़कर कुछ इस तरह अपने हिसाब से यहाँ पर इसे एडजस्ट कर लेना और फिर कर देना यहाँ से बैक करने के बाद अब हम ऐड करेंगे इसमें शार ऐड करने के लिए हम जाएंगे लेयर में, टेक्स्ट में जाने के बाद आपने यहाँ पर उर्दू सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर अपना पहला शार ऐड कर लेना है। मैं अपने क्लिपबोर्ड में जाता हूँ, वहाँ से अपना पहला शार ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद कर दूँगा यहाँ से ओके करने के बाद आपके पास इसका कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। दोस्तों आपने जाना है डबल ए फॉन्ट में जाने के बाद आपने जाना है माई फॉन्ट में जाने के बाद अब हम यहाँ से जो है ना जमील नूरी नसली फॉन्ट जो है ना ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद कर देंगे यहाँ से ओके करने के बाद हमारे पास जो है ना ये कुछ इस तरह आ चुका है। आपने इसे पकड़कर कुछ इस तरह अपने हिसाब से आपने यहाँ पर इसी एडजस्टमेंट जो है ना काले नहीं करने के बाद आपने जाना है इन एनिमेशन में जाने के बाद आपने यहाँ से फेड सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपने कर देना है यहाँ से बैक करने के बाद आपने जाना आउट एनिमेशन भी आपने जो है ना फेड सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपने करना है यहाँ से बैक और इसका ड्यूरेशन आपने वीडियो के एंड तक ले जाना है। आपने इसे यहाँ से पकड़कर कुछ इस तरह अपने वीडियो के एंड तक ले जाना है। एंड तक ले जाने के बाद आपने कर देना है यहाँ से बैक करने के बाद
आपने कालेना वीडियो को प्ले, जहाँ पर आपका पहला शेयर ख़त्म हो रहा है वहाँ पर आपने इसे रोकना है। रोकने के बाद आपने इसी अशार वाली लेयर पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रिम स्प्लिट वाला, आप इस पर करना है क्लिक और यहाँ से आपने स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के बाद आपने करना है यहाँ से बैक। बैक करने के बाद आपने एडिट में चले जाना है। चले जाने के बाद आपने कर लेना इरेज। इरेज करने के बाद आपने अपना दूसरा अशार जो है यहाँ से टाइप कर लेना। मैं अपने क्लिपबोर्ड में जाता हूँ, वहाँ से अपना दूसरा अशार ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद दोस्तों आपके पास ये दूसरा अशार भी इसी तरह आ जाएगा। और इसी तरह आपने जो है ना अपने तमाम अशार ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद अब हम करेंगे इसे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के लिए आपने यहाँ पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने 1080 पर रखकर आपने यहाँ से इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे YouTube चैनल टेक्निकल मंसर को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए घंटे के निशान को प्रेस कर दें। आप मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।